उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अखिलेश यादव से मोह भंग होने के बाद मुस्लिम नेताओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच जयंत चौधरी ने अपना नया खेल शुरू कर दिया। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जारी तनातनी के बीच जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से मुलाकात कर नया सियासी दांव चल दिया। जयंत चौधरी ने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इसके बाद वो बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। जयंत चौधरी की आजम खान के बेटे और पत्नी से यह मुलाकात मौजूदा हालातों में प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आजम खान के सपा को अलविदा कहने की आशंकाओं की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि जयंत चौधरी ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया और कहा कि रामपुर आए थे तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो आजम खान के परिजनों से मिले। आजम खान के RLD में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनकी मंशा नहीं है, वो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। आजम खान को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने के बाद से ही मुस्लिम समाज के लोगों से लेकर आजम खान के करीबियों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली खान सानू के बयान के बाद से रोजाना आजम खान के समर्थक कहीं ना कहीं कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, खून से खत लिख रहे हैं और बयान जारी कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान के सपा का साथ छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जयंत चौधरी ने उम्मीद जताई है कि जल्द आजम खान को जमानत मिल जाएगी। इस दौरान परिजनों से जेल में आजम खान किस प्रकार समय गुजार रहे हैं इसको लेकर जानकारी ली। कहा कि वो जेल में बंद रहने के दौरान कोरोना की चपेट में भी आए और काफी मुश्किल समय काट रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि आजम खान के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं, इसी नाते वो उनके परिजनों से मिलने आए थे और पहले से ही संपर्क में रहते हैं। आजम समर्थकों द्वारा जताए जा रहे विरोध को लेकर कहा कि उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनके दल का विषय है और वो उसी दल में हैं और जिम्मेदार भी हैं। मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, मैं उस चर्चा में शामिल होने नहीं आया हूं। आजम खान से जेल में जाकर मिलने पर कहा कि वो लगातार संपर्क में रहेंगे। प्रदेश सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा कि कोई अपराधी है या नहीं ये कौन चिन्हित करेगा, योगी जी करेंगे। देश में संविधान, न्यायालय और नागरिक के अधिकार बचे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ब्यूरो न्यूज़, न्यूज़ ऑफ इंडिया।